हमारी YouTube फैमिली, आज हम बनाएंगे आप लोगों के लिए व्रत में खाने वाला आलू का हलवा। गैस हम ऑन कर देते हैं, गैस को हमने ऑन कर दिया। हम इसमें वो आलू उबालने के लिए रखेंगे, आलू उबालेंगे हम। ये हमने आलूओं को धुल लिया है अच्छे से। अब अपने आलू हम उबालने के लिए रखे दे रहे हैं, आलू उबालेंगे फिर इसका हमें बनाना है हलवा, जो आप व्रत में अच्छे से खा सकते हैं। हमने अपने आलूओं को छील के तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं हमने अपने आलूओं को अच्छे से छील लिए, उबल गए हैं हमारे आलू और हमने इन्हें तोड़ लिया है। आपको भी ऐसे ही आलू का हलवा बनाने के लिए आपको ऐसे ही आलू तोड़ने पड़ेंगे। और आलू के हलवे में डालने वाली सामान, जो भी सामग्री है वो हमने निकाल के रख ली है। ये हमारा आधी कटोरी चीनी है, ये हमारा एक गिलास दूध है, ये हमारे ड्राई फ्रूट हैं, इसमें है बादाम है, ये चिरौंजी है, ये नारियल है घिसा हुआ, एक काजू के टुकड़े हैं हमने काट लिए सारे ड्राई फ्रूट, ये हमारा किशमिश है, इसी में हमने हरी इलायची डाल रखी है, हरी इलायची भी डालनी है आपको। आप चाहें तो हरी इलायची डाल सकते हैं, वरना आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर डाल लीजिए, वरना आप इलायची डाल सकते हैं। चलिए हम अपना बनाते हैं हलवा। बनाने गैस ऑन कर लेते हैं। हलवा बनाने के लिए हम इस चम्मच की मदद से 2 चम्मच हम घी ले लेंगे। ये हमारा 1 चम्मच, ये हमारा 2 चम्मच घी हो गया। घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। आलू का हलवा हम आपको इसलिए बता रहे हैं, आलू तो हर किसी के घर में आसानी से मिल जाते हैं, और कोई चीज़ मिले या ना मिले लेकिन आलू हर किसी के घर में आसानी से मिलते हैं, इसीलिए हम आपको आलू का हलवा बता रहे हैं। अब नवरात्रे में खा सकते हैं आराम से। घी हमारा गर्म होने देते हैं थोड़ा। घी हमारा गर्म हो गया है, घी में हम अपने आलू डाल लेते हैं। हमने आलू डाल लिए हैं, हम इनको अब 7 से 8 मिनट तक ऐसे घी में आलू को भूंजेंगे। ऐसे में घी में धीमी आंच में आलू को भूंजना है। आलू तो हर किसी को पसंद होते हैं, तो आप आलू का हलवा ज़रूर बनाएं। हम घी में जब तक आलू भूनेंगे तब तक हमें अपनी कलछी को ऐसे ही चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसमें ऐसे चलाते हुए हमें आलू को भूनना है, डाल के छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। भून चुके हैं, ऐसे चलाते रहेंगे वरना ये आलू तले पकड़ लेगा तो ये चपक जाएगा, तब ये हमारे आलू हलवा अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आपको ऐसे चलाते रहना। हमारे हो गए 7 से 8 मिनट हो गए, और इसमें हम दूध डाल लेते हैं, ऐसे चलाते रहेंगे। हमने अपना दूध डाल लिया इसमें, और इसमें अब चीनी भी डाल लेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा भी आपको मीठा पसंद है। हमने आधी कटोरी चीनी डाला है, छोटे छोटे हमने मीडियम साइज के 4 आलू लिए थे, उसी में हमने 1/2 कटोरी चीनी डाला है, 1 गिलास दूध डाला है। अब अपने हिसाब से जैसा भी आपको बनाना है तो आप वैसे हिसाब से लीजिए। वैसे चलाते हुए हमें हलवा बनाना है, इनको ऐसे ही हिलाते रहना है
छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे चलाते हुए हमें हलवे को पकाना है। अब इसमें एक उबाल आ गया है और इसमें जो ड्राई फ्रूट हमने काट के रखे हैं उनको भी डाल लेते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप वो ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, और जो भी इसमें पसंद नहीं है वो आप निकाल सकते हैं, अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल लीजिए। ये हमने काजू डाल दिया है, नारियल डाल दिया है, किशमिश भी डाल दिया है। थोड़ा सा हम बादाम निकालेंगे ऊपर से अपने हलवा के सजाने के लिए, बाकी हम ड्राई फ्रूट सारे डाल के इसको हिलाते रहेंगे। ऑलमोस्ट हमारा हलवा रेडी हो गया बनके। कलर भी डाल सकते हैं इसमें, हमारे हलवे का कलर बहुत अच्छा आएगा। ज़्यादा नहीं डालना है आपको, एक पिंच डालना है, जैसे कि हमारे हलवे का कलर बहुत अच्छा है। इसको ऐसे चलाते रहेंगे, देख सकते हैं हमारे हलवे का कलर कितना अच्छा आ रहा है। हमारे आलू का हलवा बनके रेडी हो गया है। गैस को कर देते हैं बंद, गैस को हमने बंद कर दिया, देख सकते हैं हमारा आलू का हलवा रेडी हो गया बिल्कुल। आप चाहें तो कलर डाल सकते हैं, वरना आप जब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको कलर डालना ही है, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं वरना नहीं। आप आलू का हलवा एक बार ज़रूर बनाएं। आप इसको चाहें तो ठंडा भी खा सकते हैं और गर्म भी खा सकते हैं, आपको जैसा भी पसंद है आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। जो बचा हुआ हमारा ड्राई फ्रूट है ऊपर से डाल लेंगे। ये हमारी चिरौंजी और इलायची है, हमारा आलू का हलवा बिल्कुल बनके रेडी है खाने के लिए। आप चाहें तो गर्म खा सकते हैं, आप चाहें तो ठंडा भी खा सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपने कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।